आज हम लोग मूत्र के संग्रहण एवं संचयन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें कई प्रकार के नमूने संग्रहित किए जा सकते हैं। पहला है जो सबसे सुबह मिड स्ट्रीम फर्स्ट वॉइडेड मिड स्ट्रीम मॉर्निंग यूरिन सैंपल होता है। ये इसमें रोगी से कहा जाता है कि सुबह जो पहला मूत्र उत्सर्जित होती है उसका शुरू आरंभिक कुछ बूंदे निकल जाने देते हैं और फिर मूत्र का संग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार के सैंपल को सबसे अधिक प्रेफरेंस दिया जाता है क्योंकि दिन भर हम कई प्रकार के कार्य करते हैं और जल का जो मात्रा लेते हैं वो भी भिन्न हो सकती है। तो इसलिए दिन भर में हमारी मूत्र की जो सांद्रता है और जो उसका संगठन है वो परिवर्तित हो सकता है, पर रात भर हम सोते हैं और पानी का इंटेक भी नहीं होता है, इसलिए उस वक्त जो सुबह का सैंपल होता है वो सबसे उपयुक्त होता है जैव रासायनिक संगठन जो मूत्र में उपस्थित है उसे ज्ञात करने के लिए। दूसरा सैंपल है रैंडम यूरिन सैंपल। ये किसी भी वक्त संग्रहित किया जा सकता है, दिन में किसी भी वक्त। ये स्पेसिमेन तब कलेक्ट किया जाता है जब कोई अर्जेंट आवश्यकता हो, रोगी बहुत बीमार हो। जो दिन में कलेक्ट किया जाता है सैंपल वो डाइल्यूट हो सकता है और उसमें वो उस जैव रासायनिक पदार्थों के लिए उपयुक्त इसलिए नहीं क्योंकि कई पदार्थ बहुत कम सांद्रता में उपस्थित होते हैं, तो उनका जो एनालिसिस है वो ठीक से नहीं हो पाती है रैंडम सैंपल में। इसलिए अधिक सांद्र सैंपल की आवश्यकता जब होती है तो फर्स्ट वॉइडेड यूरिन सैंपल ही कलेक्ट करना प्रेफर किया जाता है, और अर्जेंट रूटीन एनालिसिस हो तो रैंडम सैंपल। जो कंटेनर का उपयोग करते हैं यूरिन संग्रहण के लिए वो शुष्क होना चाहिए, स्टेरिलाइज्ड होना चाहिए, ग्लास अथवा प्लास्टिक बॉटल का बना होना चाहिए, वाइड माउथ होना चाहिए, चौड़ा मुंह होना चाहिए, ऊपर स्क्रू टैप लगी होनी चाहिए। पेशेंट को कहा जाता है डायरेक्टली उस कंटेनर में अपनी मूत्र उत्सर्जित करें, और कलेक्शन जो इस तरह से करना चाहिए कि आरंभ का कुछ मूत्र निकल जाने देना चाहिए और मिड स्ट्रीम पोर्शन कलेक्ट किया जाता है, क्योंकि जब आरंभ का जो कुछ बूंदे इसलिए निकल जाने देते हैं क्योंकि इसमें हो सकता है कि संगठन यूरिन का ठीक ना हो, तो इसलिए उसे निकल जाने देते हैं जब कभी इन्फेक्शन वगैरह होता है, इसलिए उसके बाद मिड स्ट्रीम में रासायनिक संगठन ठीक आता है। स्पेसिमेन जो बच्चों से कलेक्ट किए जाते हैं उनको डिस्पोजेबल कलेक्शन एपरेटस में संग्रहित करते हैं, वो प्रायः प्लास्टिक बैग का बना होता है। जब आवश्यकता पड़ती है तो 24 घंटे के मूत्र सैंपल का कलेक्ट करते संग्रहित करते इसके लिए एक बड़ा कंटेनर लेते हैं। पेशेंट से कहा जाता है, रोगी से कहा जाता है कि वो अपनी मूत्र जो है एक कंटेनर में वॉइड करें, उत्सर्जित करें और फिर उसको उस वेसल में कलेक्ट करते रहते हैं। एक पर्टिकुलर निश्चित टाइम पर वो जो वॉइड करता है उसे नोट कर लेते हैं, फिर 24 घंटे तक वो सारे जो मूत्र उत्सर्जित करता है वो उसी कंटेनर में डालते रहते हैं, और अगले दिन 24 घंटे जब हो जाते हैं तो आखिरी टाइम उसमें वॉइड करके उस सैंपल कलेक्शन को पूर्ण करते हैं और फिर उसकी वॉल्यूम आदि नापते हैं और विश्लेषण करते हैं। प्रिजर्वेशन, हर मूत्र का सैंपल की एनालिसिस तुरंत हो जानी चाहिए एक घंटे के भीतर ही, क्योंकि एक घंटे के पश्चात मूत्र में रासायनिक संगठन का परिवर्तन होने लगता है और कोशिकीय संगठन भी परिवर्तित होने लगता है। यदि एक घंटे से अधिक रखना है तो 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं, पर ये ठीक नहीं होता है। फ्रेश एनालिसिस हमेशा महत्वपूर्ण रहती है। जो मूत्र में परिवर्तन होता है जब उसे थोड़ी देर के लिए रखते हैं तो निम्नलिखित है, आरबीसी की लाइसिस हो जाती है क्योंकि मूत्र हाइपोटोनिक होती है, फिर जो एपिथेलियल कोशिकाएं कास्ट उपस्थित होती है उनका विघटन हो जाता है, बैक्टीरिया का द्विगुणन होता है और उसके कारण मूत्र अधिक क्षारीय हो जाती है क्योंकि बैक्टीरिया जो है वो यूरिया को अमोनिया में परिवर्तित कर देता है, इसके कारण पीएच बढ़ जाता है और ल्यूकोसाइट यदि उपस्थित है मूत्र में तो वो नष्ट हो जाते हैं, इवन एपिथेलियल कोशिकाएं भी नष्ट हो जाती हैं। रक्त में मूत्र में जो ग्लूकोज की सांद्रता है वो इसलिए घट जाती है क्योंकि बैक्टीरिया वृद्धि करता है तो वो ग्लूकोज का उपयोग कर लेता है, तो यदि मूत्र में ग्लूकोज उपस्थित है तो उसका मान ठीक नहीं प्राप्त होगा यदि मूत्र रख दी गई है। फिर कुछ प्रिजर्वेटिव्स मिलाए जाते हैं यदि हमें मूत्र को संचित करना है, संग्रहित करना है, तो टोलिन जो है वो 2 ml प्रति 100 ml यूरिन में मिलाते हैं, ये सतह पर तैरती है,
ये रासायनिक संगठनों के लिए तो ठीक है, परंतु यदि बैक्टीरिया पहले से वृद्धि कर रहा है, उपस्थित है मूत्र में, तो फिर ये कार्य नहीं कर पाएगी। फॉर्मेलिन मिलाते हैं, 3 ड्रॉप्स मिलाते हैं 100 ml में। ये सेडिमेंट्स के लिए अच्छी है, क्योंकि सेडिमेंट्स जो नीचे बैठते हैं मूत्र में उनमें परिवर्तन नहीं लाती है, पर प्रोटीन को अवक्षेपित कर देती है। तो प्रोटीन यदि नापना हो तो ये उपयुक्त नहीं होगी। थायमॉल एक छोटा क्रिस्टल मिलाते हैं, ये एसिड प्रेसिपिटेशन टेस्ट जो होता है प्रोटीन का उससे इंटरफियर करता है। तो प्रोटीन का यदि टेस्ट लगाना है तो थायमॉल का उपयोग नहीं कर सकते। कमर्शियल प्रिजर्वेटिव टैबलेट्स आती हैं, वो सबसे उपयोगी होती है। एक टैबलेट मिलाते हैं 30 ml यूरिन में, इसमें फॉर्मेल्डिहाइड उपस्थित होती है जो नियंत्रित रूप में घुलती जाती है और ये किसी भी टेस्ट में इंटरफियर नहीं करती है। तो सबसे ज़्यादा इसी का उपयोग होता है। कब किस नमूने का उपयोग करना चाहिए मूत्र के, तो सामान्य क्वालिटेटिव टेस्ट के लिए एक रैंडम सैंपल उपयोगी है, पर यदि डायबिटीज मेलाइटिस का टेस्ट करना है तो खाने के 2 घंटे पश्चात पोस्टप्रांडियल सैंपल की आवश्यकता पड़ती है, फास्टिंग सैंपल की भी आवश्यकता पड़ती है। तो उसमें रात भर एक निश्चित समय के बाद कुछ नहीं खाना होता है। फिर नेफ्राइटिस के लिए हमें मॉर्निंग सैंपल, फर्स्ट वॉइडेड मॉर्निंग सैंपल की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि उसी की सबसे अधिक स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है और पीएच कम होता है, वो सबसे उपयोगी होता है। और वो उसमें जो है कोशिकीय घटक यदि उपस्थित है तो उनमें परिवर्तन नहीं आता है, इसलिए उस सैंपल को प्रेफर किया जाता है। रिपीटेड सैंपल्स, कई बार नमूने तब लेने पड़ते जब रोगी ऑर्थोस्टैटिक प्रोटीनूरिया से ग्रस्त हो।